नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पटना जंक्शन पर अब नई नई सुविधाओं का जो लुत्फ है वो आम जनता उठा सकेंगी। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कल की हैं जब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे थे। साथ में थे पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव। उन्होंने पटना जंक्शन पर वाईफाई, स्वचालित सीढ़ी, वातानुकूलित प्रतीक्षालय आदि अन्य विभिन्न जन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। जिस मौके पर सभी जो गणमान्य अतिथि हैं वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। इसके बाद जन संपूर्ण क्रांति को लेकर लगातार जो विवाद हो रहा था निशिकांत दुबे और रामकृपाल यादव के बीच में, रामकृपाल यादव को 8 सांसदों का समर्थन मिला और बड़ी बात यह है कि अब पटना से होकर ही नई दिल्ली जाएगी संपूर्ण क्रांति जैसे कि पहले आती थी। इससे पहले निशिकांत दुबे ने मांग रखा था, जो गोड्डा से सांसद है इस वक्त बीजेपी के, कि मधुपुर से संपूर्ण क्रांति को चलाया जाए, जो कि रेलवे बोर्ड ने इसे मंजूरी नहीं दी है। बिहार के लोगों के बातों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यही कहा है कि अब पटना से संपूर्ण क्रांति दिल्ली तक जाएगी जैसे पहले जाती थी। इस मौके पर रामकृपाल यादव क्या कुछ कर रहे हैं जरा सुनिए। ट्रेन का जो है गद्दा रहता था उसको लोग हाथ घूम के ठीक कर देता था। अब हम लोगों का सेंस भी सहयोग और सेंस अवेयरनेस जगह है, हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं। अब यहाँ आया कोई थूक फेंक देगा तो कुछ कर देगा, मुझे थोड़ा रहेगा। कब तक शासन प्रशासन यहाँ रहेगा? इसलिए मन में ये जो चीज समर्पित किया गया है तो समर्पित चीज हमारे लिए है, हमारे उपयोग के लिए है। इसमें आप सब लोग का सहयोग चाहिए, मेंटेन कीजिए और सुख सुविधा लीजिए। फूड कोर्ट बन गया, बताइए, 5 स्टार फेल है फूड कोर्ट। जाइए ना जंक्शन या पटना जंक्शन तो वही है, कोई स्टेशन पर जाइए फूड कोर्ट स्पेशल, अच्छी अच्छी सुविधा व्यवस्था सब तरह की सुविधा ही है। मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, रेल प्रशासन और एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। संपूर्ण क्रांति यहां से जाने वाला था, रुक गया। पेपर में खबर आई भी होगा कि रुक गया, आपके जन भावनाओं का कदर करते हुए, बिहार के आवाम के जन भावनाओं का कदर करते हुए माननीय रेल मंत्री जी का, रेल प्रशासन का हम पुनः दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं और इसी तरह से कृपा बनाए रखिए और आगे जनता की सुविधा के लिए आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, करिए। एक आग्रह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने सुना उन्होंने लोगों को कहा कि आपको जागरूक होने की चीज़ है, रेलवे जो है वो आपकी ही संपत्ति है, आपको इसे सुरक्षित रखना है। जहां तहां थूक कर या फिर रेलवे को नुकसान पहुंचा कर हमारे देश की जो तरक्की है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। अब देखने वाली बात यह है कि नए नए प्रोजेक्ट्स जो सरकार लेकर आ रही है और संपूर्ण क्रांति को पटना में रोकने के बाद एक अच्छा इफेक्ट तो खैर पटना वासियों पर पड़ा ही है। आने वाले समय में क्या कुछ उपलब्धियां और रेलवे हासिल करता है उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।